पूरे राजस्थान का माहौल इस वक्त गर्म है। वजह है 5 दिसंबर को राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर जान लेना, जिसके बाद राजस्थान ही क्या बल्कि पूरे देश के राजपूत समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी है। तो वहीं हर रोज इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। अब इस मामले में गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी का नाम सामने आया है। आखिर बेटी का इस मामले में क्या लेना देना है, बेटी का इस मामले में क्या रोल है, आइए बताते हैं आपको। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस दिन रात लगी हुई है। जो लोग पुलिस के रडार पर हैं उनमें से एक नाम है चरणजीत उर्फ चीनू, जो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की बेटी है। वही आनंद पाल जिसके तार इस केस से जोड़े जा रहे हैं, लेकिन आनंद पाल का एनकाउंटर पहले ही पुलिस कर चुकी है। अब चीनू का नाम सामने आने के बाद वो पहली बार कैमरे के सामने आई है। बता दें कि वो भारत नहीं बल्कि दुबई में रहती है और इस वक्त अंडरग्राउंड है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद उसने वीडियो भी बनाया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मामले में चीनू ने कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उनके परिवार के सदस्य थे। उनका नाम इस मामले में जोड़े जाने को चीनू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बता दें कि गैंगस्टर आनंद पाल को पुलिस ने एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया था। चीनू फिलहाल अंडरग्राउंड है और नाम आने के बाद वीडियो बनाकर उसने कई बातें कही हैं। उसने कहा है कि सुखदेव सिंह काकोसा हमेशा से हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों, प्रशासन और मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकोसा की जान लेने में शामिल हूं। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव सिंह काकोसा वो शख्स हैं जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े हुए थे, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आगे खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, चीनू वीडियो आगे में कहती हुई दिखाई देती हैं कि मैं उनके बारे में ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकती। मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ अधिकारी मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मैं उनसे यही कहना चाहती हूं कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। जिस तरह मेरे फादर पर मुकदमे दर्ज कराए गए थे सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार अब मुझे बनाया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है। बता दें कि कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान लेने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच उनकी पत्नी शीला शेखावत ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। शीला ने आरोप लगाया कि इंटेलिजेंस की इनपुट के बावजूद तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने उनके पति को सुरक्षा नहीं दी थी। अगर उन्हें सुरक्षा मिल जाती तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। बहरहाल देखते हैं इस मामले में आगे और क्या क्या बड़ी अपडेट सामने आती हैं। वो सभी अपडेट जानने के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।